नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में आज हम सबसे पहले किसान आंदोलन की बात करेंगे। दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने डेरा जमा दिया है। किसान संगठन टस से मस नहीं हो रहे। उन्होंने सरकार के ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया है। सरकार चाहती थी कि दिल्ली के बॉर्डर से हटकर किसान संगठन बुराड़ी के ग्राउंड में चले जाएं और वहां पर प्रदर्शन करें, फिर उनकी मांगों पर बातचीत होगी। लेकिन किसान संगठनों ने आज अपनी मीटिंग के बाद सरकार की कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से आज फिर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के भले के लिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी समझाया कि कैसे नए कृषि कानून किसानों का भला कर रहे हैं। यानी सरकार की तरफ से किसानों को समझाने बुझाने और उन्हें मनाने की कोशिशें तो तेज हैं, लेकिन इसी के साथ किसान आंदोलन भी तेज हो रहा है। और अगर बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकला तो ये सरकार के लिए बड़ी परेशानी भी बन सकता है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर जुटे किसान संगठन लंबे आंदोलन की तैयारी करके पहुंचे हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। किसान विरोधी कानून। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है, किसान रिफॉर्म्स है, वो किसानों के भले के लिए है। और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। गृह मंत्री किसानों को मना रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री भी समझा रहे हैं। सरकार ने समझाने बुझाने पर जोर लगा दिया, लेकिन किसानों पर किसी का जोर नहीं। दो चार दिन नहीं, चार महीने की तैयारी है और ये दिल्ली के पांचों रास्तों पर भारी है। पंजी पॉइंटों पर, पंजी जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको ऐसी रूम का रूप दिया है, उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है, जे चार महीने भी हमको रोड पर बैठना पड़े तो चार महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सोनीपत बॉर्डर, रोहतक बहादुरगढ़ बॉर्डर, जयपुर हाईवे बॉर्डर, मथुरा हाईवे बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर हजारों किसान डटे हैं। अमित शाह का ऑफर नामंजूर है, फैसला कर लिया बुराड़ी मैदान नहीं जाएंगे। नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट होने के लिए, शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी, आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बडारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असीं पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। सरकार चाहती है कि बुराड़ी मैदान में जाकर किसान प्रदर्शन करें। बुराड़ी मैदान में जाते ही उनसे बातचीत होगी, लेकिन किसान संगठनों का आरोप है कि बुराड़ी तो ओपन जेल है, बुराड़ी जाने से उनका आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। गृह मंत्री के ऑफर के बाद आज किसान संगठनों ने दो बार अपनी मीटिंग की। इसके बाद जो फैसला लिया उससे टकराव बढ़ता दिखा है। किसान संगठनों ने छह बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, बातचीत के लिए किसी शर्त को नहीं मानेंगे। दूसरी बात, प्रदर्शन के लिए बुराड़ी मैदान में नहीं जुटेंगे। तीसरी बात, जो जहां बैठा है वहीं बैठकर प्रदर्शन करेगा। चौथी बात, दिल्ली आने के सभी रास्तों पर बैठेंगे। पांचवी बात, चार महीने भी सड़क पर बैठना पड़े तो बैठेंगे, चार महीने का राशन पानी लेकर आए हैं। छठी बात, किसानों के मंच पर किसी पार्टी को नहीं बुलाएंगे। बातचीत चल रही सरकार से और
उम्मीद है कि ठीक उसका हल निकलेगा, जिस हिसाब से किसान दिल्ली के चारों तरफ को आ रहा है और लोग को भी आने की तैयारी है, तो सरकारों को यह है कि किसानों की बात सुने, जो उनकी डिमांड है उसको सरकार पूरा करे, जब ही समस्या का समाधान निकलेगा। तो पंजाब के किसान संगठनों ने बैठक की है और सबने सर्वसम्मति से तय किया है कि ऐसे शर्तों को वो कतई नामंजूर करते हैं और शर्तों के साथ बातचीत करने के इस ऑफर को उन्होंने स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया है। सरकार की अपील के बाद भी जब किसान नेता नहीं मान रहे, किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर टिके, जब बातचीत का रास्ता नहीं निकल रहा तो सवाल यह है कि स्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। देखिए, भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। कृषि सुधार कानूनों का MSP से कोई लेना देना नहीं। MSP पहले भी चालू थी, अभी भी MSP पर खरीद हुई है और आने वाले कल में भी वो खरीद होती रहेगी। मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द कंट्री सर। सरकार किसानों को भरोसा दे रही है, बातचीत के लिए कह रही है, कृषि कानूनों को किसानों के भले के लिए बता रही है, लेकिन किसान संगठनों को सरकार पर भरोसा नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली बॉर्डर की स्थिति यह है कि कई जगहों पर किसान 3-4 दिन से लगातार डटे हुए हैं। कई जगहों पर किसान दिल्ली में एंट्री करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। इन्हें दिल्ली आने से रोकने में पूरी की पूरी फोर्स लगी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। नए नए जत्थे आ रहे हैं और किसान ट्रैक्टर ट्रॉली राशन लेकर पूरी तैयारी के साथ आए हैं। दिल्ली के बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और जो इनकी बैठक हुई है, बड़ी खबर आपने जैसे बताई कि यहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज तक की स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं एक टॉप एंगल व्यू, जिससे दर्शकों को अंदाजा हो जाएगा कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे किसान मौजूद है। दूर नजर दौड़ाइए तो ये कोई रामलीला मैदान नहीं है, ये कोई जंतर मंतर नहीं है, ये है सिंगू बॉर्डर, देश का एक राष्ट्रीय हाईवे जहाँ पे लगातार ट्रैफिक की आवाजाही बनी रहती है। खेद जताते हुए कि लोगों को असुविधा हो रही है, किसानों ने बोला है कि ये भी राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, शर्तें नहीं चाहिए। ऐसी तस्वीरें कहीं भी किसी भी सरकार को टेंशन देंगी। दिल्ली की बात तो अलग ही है, इसीलिए सरकार ने किसानों से एक जगह व्यवस्थित होने को कहा, बुराड़ी में बैठकर प्रदर्शन करने को कहा, लेकिन ये शर्तें किसान संगठनों को मंजूर नहीं। किसान नेताओं ने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया है, बुराड़ी कोई जाने वाला नहीं है। लोकतंत्र में जनता राजा होती है और जो उसके नुमाइंदे हैं वो उसके नौकर, तो जिसको बात करनी है वो यहाँ आए, किसान यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो पंजाब की सरकार ने भेजे हुए लोग हैं, आपको लगता है इनमें से कोई प्लांटेड है? ये किसान है, रियल किसान है। और आज आपको बता दें कि ये लोग पूरा बोरिया बिस्तरा लेके आए हैं, कितना राशन आप अपने घर से लेके आए? हम मैडम 6-6 महीने का राशन लेकर आए हम, और जरूरत पड़ेगा तो और राशन भी आ जाएगा। हमारे किसान भाई हैं, ये जो लड़ाई हम जीत के रहेंगे। 4-6 महीने की तैयारी करके किसान संगठन आए। किसान संगठनों की रणनीति साफ है, दिल्ली को चारों तरफ से घेरना है, पीछे नहीं हटना है। दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए सबका पसीना छूट गया है। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो बैरिकेड्स को तोड़ दिए हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता दिखाई नहीं दे रही है। पहली लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसे यहाँ पर किसानों ने तोड़ दिया है, बैरिकेड्स पर वो चढ़े और उसके बाद में बैरिकेड्स को यहाँ पर तोड़ दिया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान तैनात हैं, यहाँ पर वो
जो बैरिकेडिंग है इसको तोड़कर वो दिल्ली में घुसना चाहते हैं, लेकिन ये गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ से आगे जो है पुलिस जाने नहीं दे रही है। और आप देख सकते हैं ये पहली लहर की बैरिकेडिंग है, मेरे ठीक बाई तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको वकार दिखा पाए तो बाई तरफ एक और बैरिकेडिंग की लहर है, वहां पर भी पुलिस वाले भारी संख्या में तैनात हैं, लेकिन जो किसान है वहाँ यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बैरिकेड्स है उसको तोड़कर आगे जाया जाए। पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली और उसके अलावा हजारों की संख्या में किसान अभी भी तैनात है और कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड को तोड़कर वो आगे जा पाए। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पूरी तैयारी के साथ हजारों किसानों ने दिल्ली पर 3 दिन से धावा बोला है। इन किसानों में हर दिन नए जत्थे जुड़ रहे हैं। एक तरफ जहां सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने मीटिंग करके ऐलान कर दिया है कि वो सिंगू बॉर्डर से नहीं हटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देखिए दूसरी तरफ सामने की तरफ से भारी तादाद में जो किसान हैं वो सिंगू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां पर जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पर रख दी गई है। रणनीति यही है कि किसी भी तरीके से इन किसानों को यहाँ से सिंगू बॉर्डर नहीं घुसने देना है। बकायदा जो पुलिस की टीम है वो एक्सकॉर्ट करके लेके आ रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भारी तादाद में, और ज्यादातर जो पंजाब के किसान हैं वो आ रहे हैं। हालांकि आप खुद जो इनके वॉलंटियर्स हैं वो इनको एक्सकॉर्ट करके ला रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो किसान हैं वो धीरे धीरे करके सिंगू बॉर्डर की तरफ से सामने आ रहे हैं। हम उनसे बात कर ली सर, किस जी तरन तार नंबर सर तो माझे दे विचों पंजाब दे विचों काफला आ रहा है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब दा, जिसने डरेलां दा अंदोलन अजे तक जंडियाला गुरु जिहड़ा जारी रखा होया वा। ज्यादातर किसान संगठन बॉर्डर पर ही डटे हैं और बुराड़ी मैदान नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ दिल्ली के एक कोने में जुटकर सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। हालांकि कई किसान बुराड़ी मैदान भी पहुंचे हैं। इस वक्त मैं बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर मौजूद हूं, जहां पर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा किसानों को विरोध प्रदर्शन के लिए जगह दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपील की है कि जो किसान है वो यहाँ पर आ जाए। इन सबके बीच जरा आप तैयारी देखिए, बाकायदा जो किसान है वो अलाव तक लेकर आए हैं, अलाव है, लकड़ियां हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाकायदे जो है किसान खुद अपना खाना बना रहे हैं, यानी पूरी लंबी चौड़ी तैयारी करके ही किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच किए थे। हम अपने कैमरा पर्सन रितेश को कहेंगे कि जरा सामने की तरफ आए, देखिए किस तरीके से बाकायदा जो है यहाँ आटा गूथा जा रहा है, पूरी तैयारी है। लेकिन बुराड़ी मैदान को तो किसान नेताओं ने एक तरह से ओपन जेल बता दिया है, वो अब बॉर्डर के रास्तों से हटने को तैयार नहीं है। किसानों को सरकार पर दबाव बनाने का यही तरीका सही लग रहा है। मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों ने सरकार की बात नहीं मानी, ऐसे में सरकार क्या करे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर किसान आंदोलन पर एक बड़ी बैठक चल रही है। किसान आंदोलन को लेकर अभी की बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में गृह मंत्री और कृषि मंत्री की भी मौजूदगी है। आपको बता दें इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, किसान मानने के लिए तैयार नहीं, वो बुराड़ी नहीं जाएंगे, ऐसे में ये अहम बैठक, क्या ये माना जाए कि कुछ ठोस नतीजा किसान आंदोलन पर निकल कर आ सकता है, कि बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की थी कि वो बुराड़ी जाएं और उसके बाद उनके जो संगठन है उनसे वो बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार की तरफ से डेलीगेशन भी जा सकता है बातचीत करने के लिए, लेकिन अब किसानों ने जब सरकार के इस अपील को ठुकरा दिया है तो अब कहीं ना कहीं एक नई रणनीति के तहत जो है वो फिर से बैठक चल रही है। जो बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार, अब बीजेपी को लग रहा है कि ये आंदोलन बड़ा हो गया है और इसको किस तरीके से टैकल किया जाए उसको लेकर एक नई बीच का रास्ता खोजने की जरूर तैयारी जो है वो की जा रही है, लेकिन क्या होगा ये रास्ता, क्या सरकार की तरफ से ये अप्रोच किया जाएगा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं आप आइए, या सरकार का कोई डेलीगेशन जो है वो मिलने के लिए जाएगा, इसको लेकर ये कह सकते हैं कि इस निकालना पड़ेगा, क्योंकि लगातार किसानों की तादाद बढ़ती हुई बॉर्डर पर चली जा रही है। फिलहाल के लिए शुक्रिया। नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर होंगे। पीएम अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान गंगा के घाटों पर अलौकिक दृश्य के साक्षी भी बनने वाले हैं। ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री काशी की देव दीपावली में शामिल होंगे।
न सिर्फ उसमें शामिल होंगे बल्कि उसका हिस्सा भी बनेंगे। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर गंगा के 84 घाटों पर लगभग 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्रूज पर बैठकर गंगा घाटों की दिव्य छटा का आनंद लेंगे। सारी तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने काशी से पूरी तैयारियों पर यह खास रिपोर्ट भेजी है। कल क्या होगा, कैसा होगा नजारा काशी का? गंगा की लहरों पर उल्लास का उत्सव होगा। घाटों के किनारों पर उमंगों का मेला होगा। देवताओं के स्वागत में मोक्ष धरा का श्रृंगार हो रहा है। देव दीपावली वैश्विक पर्व है, लेकिन महाकाल की धरती पर इसकी छटा अलौकिक होती है। इस बार उमंगों के रंग थोड़ा ज्यादा चटक हैं, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी दीपदान के लिए काशी में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो वाराणसी कई बार आए हैं, लेकिन देव दीपावली के अवसर पर पहली बार वो वाराणसी आ रहे हैं, और इसीलिए चूंकि यहाँ पर उनका पूरा कार्यक्रम तय है कि कहाँ कहाँ पर उन्हें जाना है, यहाँ इसी रास्ते से होते हुए आगे के रास्ते से वो प्रवेश करेंगे जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बाबा विश्वनाथ की भक्ति में उनका छोटा सा समर्पण है। लेकिन इसके साथ ही वाराणसी के जो बाकी हिस्से भी हैं, जिस सड़क का उन्हें 72 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करना है, जहां सारनाथ जहां पर जाना है उन्हें वो सारी जगह, और साथ ही यहां पर जो गंगा घाट है जहां से क्रूज के जरिए वो रविदास घाट से तक पहुंचेंगे, तो ये सारी वो जगह हैं जो पूरी तरीके से तैयार इस समय की जा रही है। ये इतिहास है कि देव दीपावली पर गंगा आरती, महाकाल का पूजन और दीपदान का हिस्सा बनने के लिए पूरे विश्व से अलग अलग संस्कृतियों के लोग आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब इस धार्मिक पर्व पर गंगा में दीप को प्रवाहित करेंगे, तब इस परंपरा को शासकीय और वैश्विक प्रवाह भी मिलेगा। ये ठीक वैसे है जैसे अयोध्या में दीपावली मनाई तो तब से जाती रही है जब से मानव सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जिस तरह शासकीय व्यवस्था ने इसे दीपोत्सव के तौर पर विकसित किया, तो ये उत्सव स्थापित हो गया। बीते 4 साल से अयोध्या का दीपोत्सव दीपावली की पहचान बन गया। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के 84 घाटों पर अद्भुत दृश्य होगा। छटा ऐसी होगी कि पहले के तमाम देव दीपावली का वैभव पीछे छूट जाए। काशी तट लगभग 15 लाख दीप से जगमगा उठेगा। पहला दीपक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रज्वलित होगा। देव दीपावली का ये पर्व जिसमें हर साल हजारों लाखों विदेशी यहां पर आते हैं, देश के लोग यहां पर आते हैं सिर्फ इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि जितने भी देवता हैं सब उस समय आते हैं काशी, इस नगरी में आते हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी में आते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक और मैं आपके लिए हर खबर इसकी लाएंगे, लेकिन अभिषेक, जैसे दीपोत्सव हो गया अयोध्या के लिए, हम ये समझ सकते हैं कि देव दीपावली भी एक तरह से दूर दूर तक जिसने नहीं भी सुना था उसको कहानी पहुंचेगी। बिल्कुल, दीपोत्सव की कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता। 6.5 लाख दिए के बाद 15 लाख दिए जलाने की योजना है, और आप काशी के दोनों तरफ देखें, घाट के इस तरफ और घाट के उस तरफ, दोनों तरफ इतनी बड़ी तादाद में ये दिए जलाए जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर इस दिन आए थे देव दिवाली के दिन, और तमाम जो देवता हैं वो उतरते हैं, तो ये पहले से लोग जो धार्मिक जो श्रद्धालु हैं पहले से रहे हैं, लेकिन इस बार ये खास होने जा रहा है। इस मनमोहक और दिव्य दृश्य पर कौन मोहित न हो उठे, तय ये है कि पहला दीप जलाने के बाद प्रधानमंत्री गंगा में बोट के जरिए काशी के जगमग घाट को देखेंगे। वाराणसी एक ऐसा शहर है ना जिसके लिए कहा जाता है, जैसे शिव और शव की बात कर रहे हैं अभिषेक, तो वैसे ही यहाँ पर तो मृत्यु को भी एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ का जो उत्सव होता है वैसा आपको पूरे विश्व में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इस ओर के घाटों पर सीढ़ियों पर
जो प्रज्वलित होंगे दीपक, या फिर दूसरे छोर पर जहां पर रेत है वहां भी टिमटिमाते दीप। प्रधानमंत्री पहला दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली का उसे गंगा की लहरों में छोड़ेंगे और उसके बाद यहां उत्सव जो शुरू होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। वाराणसी के घाटों पर इस बार का लेजर शो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी होगा। जिस तरीके से अयोध्या के लेजर शो ने दुनिया को उसकी दीपावली की भव्यता से रूबरू कराया, कुछ वैसी ही कोशिश इस बार वाराणसी के घाटों पर भी होगी। 15 लाख दिए की बात है, 15 लाख अब आप कल्पना करिए, यहाँ से लेकर के पूरा जो घाट है बनारस का, ये कैसा भव्य दिखेगा, कैसा सुंदर नज़ारा इसका दिखेगा। न सिर्फ दिए होंगे बल्कि इस पूरे रास्ते में लेजर लाइट शो होंगे, जहाँ के प्रधानमंत्री खुद रुक करके जो चेत सिंह किला है वहाँ खुद भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। 55,000 स्क्वायर मीटर में बन रहे इस कॉरिडोर का भव्य स्वरूप अब दिखने लगा है। काशी विश्वनाथ धाम राजस्थान और मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों से सजने भी लगा है। तराशे गए करीब 65,000 क्यूबिक फीट गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुँचने के बाद काम अब तेजी से बढ़ रहा है। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ईंट रखी थी विश्वनाथ धाम की और उसके बाद से यहाँ पर निर्माण ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है आप देख सकते हैं। यहाँ पर दावा किया जा रहा है और ये वादा भी किया जा रहा है कि अगले साल के मध्य तक ये जो पूरा कॉरिडोर है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पत्थर जिनसे निर्माण हो रहा है ये सब तराश कर लाए जा रहे हैं गुजरात से। हालांकि जो पत्थर हैं वो हैं जयपुर के और मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं ये पत्थर। जयपुर के जो पत्थर जिनका राम मंदिर निर्माण के लिए भी, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी जिनका प्रयोग हो रहा है और कमोवेश जिस तरीके से वहां पर निर्माण हो रहा है, यानी कि वो खांचे के साथ आते हैं और खांचों को खांचों में फिट करके उसके बाद यहां पर, ताकि इससे क्या होता है कि जो निर्माण की गति होती है मंदिर निर्माण की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनमें पूरी तरीके से टैग लगाकर ये भेजे जाते हैं ताकि पता रहे कि कौन सा हिस्सा कहाँ पर फिट होना है। तो जो मंदिर का मुख्य हिस्सा है और जो हमारी प्राचीन भव्यता का जो पूरी तस्वीर रही है वो तो उसी तरीके से नजर आएगी यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर उसी तरीके से, लेकिन इसके आसपास का जो पूरा हिस्सा है उसे इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि अपने आप में एक अलौकिक दृश्य होगा, विहंगम दृश्य होगा। ये किसी नामुमकिन को मुमकिन करने वाला दृश्य है। कॉरिडोर के रास्ते से कई घरों को हटाया गया, लेकिन जरा सोचिए रास्ते में पड़ने वाला एक भी मंदिर अपनी जगह से नहीं हटा, हर छोटे बड़े मंदिर को सहेज लिया गया, मंदिर अपने मूल जगह पर ही खड़े हैं। तो ये वो समूचा क्षेत्र है जहां पर पहले घर हुआ करते थे, लेकिन जब इस कॉरिडोर के लिए इस पूरे इलाके को नियंत्रण में लिया गया और घरों को यहाँ से हटाया गया, तोड़ा गया, तो देखिए इस तरीके से ये सारे मंदिर यहाँ पर छोटे छोटे बाहर निकले। जो लोग यहाँ पर हैं वो बताते हैं कि इन्हीं के साथ जुड़ी हुई घर की बाकी व्यवस्था, यानी कि शौचालय, बेडरूम, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब जिन मंदिरों का इसमें जो ऐसे मंदिर यहाँ पर हैं जिनके शिखर आपको साबुत दिख रहे हैं, उन सभी मंदिरों को इस कॉरिडोर का हिस्सा रखा गया है। आप मेरे पीछे देखिए, वहां पर आपको एक छोटा सा प्राचीन हनुमान मंदिर दिख जाएगा। यह बताया जाता है कि तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका की रचना की थी तो यहीं पर बैठ के की थी, यहीं पर बैठ के वो की थी। और एक एक ढांचा देखिए, अब हर एक चीज को हमारी इतिहास, हमारी परंपरा, आध्यात्म सबसे जोड़ते हुए सबको कॉरिडोर में साबुत इसी हिसाब से रखा जाएगा। ये किसी सपने के सच होने जैसा है। इतिहास और समय स्वयं को दोहरा रहे हैं और इस बदलते दौर के हम और आप सब साक्षी हैं। आप लोग काशी विद्यापीठ में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, क्या यहाँ पर प्रदर्शन? यहाँ पर हम लोग घाट का सीन जो बना रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, वो उनके लिए, और हमारा कि हम यहाँ पे जो हमारा घाट दिख रहा है ललिता घाट, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटर में। फिर उसके बाद वे टू गंगा है, जो भी पाथ में हमारे मॉन्यूमेंट्स थोड़े बहुत पड़ते हैं उन्हें बना के, फिर विश्वनाथ टेंपल का है, और फिर ये पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये मोदी जी की तस्वीर किसने बनाई है? हमारे सीनियर भैया ने। अच्छा, उन्होंने बनाई है यहाँ पर। आप लोग बनारस को बदलते देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने? हाँ, काफी ज्यादा चेंजेस। 15 लाख दियों के बीच शिव की नगरी अद्भुत छटा बिखेरेगी। वो नजारा ऐसा होगा मानो आसमान में जगमग सितारे हैं और जमीन पर भी कुछ सितारे उतर आए हैं, टिमटिमा रहे हैं। शिव की अविनाशी काशी अपने अलौकिक रूप में फिर से जगमगाएगी।
कुमार अभिषेक और कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, वाराणसी आज तक। 15 लाख दीयों के साथ साक्ष्य बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद नगर निगम चुनाव की बात कर लेते हैं। शायद ही इस चुनाव से पहले हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव इतने ज्यादा चर्चा में रहा हो। आज कैंपेन के आखिरी दिन हैदराबाद में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की बाढ़ सी आ गई। गृहमंत्री अमित शाह का मेगा रोड शो हुआ। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए माहौल बना रहे थे, लेकिन सबसे धारदार एक्शन अमित शाह के रोड शो में दिखा। इस रोड शो से पहले गृहमंत्री हैदराबाद में पार्टी का भाग्य बदलने के लिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह के रोड शो में हैदराबाद भगवा रंग में रंगी हुई दिखी। अमित शाह ने निजाम कल्चर पर निशाना साधा, डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की तरफ हैदराबाद को ले जाने की बात कही, परिवारवाद पर निशाना साधा। हैदराबाद के अब तक आईटी हब ना बनने के लिए टीआरएस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही रोहिंग्या को लेकर ओवैसी की कथनी और करनी पर भी हमला बोला और ये भी दावा किया कि हैदराबाद का अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। हालांकि इस हमले पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी जोरदार हमला किया गया। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दक्षिण का दरवाजा कहे जाने वाले हैदराबाद में अमित शाह के रोड शो का भव्य नजारा देखिए। हर तरफ भगवा रंग में रंगा दिख रहा है हैदराबाद। रास्ते बीजेपी के झंडों से पटे हुए थे, सड़क पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। शाह की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के जोश का ठिकाना नहीं था। फूलों से सजे विजय रथ पर अमित शाह अपने वरिष्ठ साथियों के साथ कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाते दिख रहे थे। इसे शक्ति प्रदर्शन कहें या फिर दक्षिण को भेदने के लिए किए गए होमवर्क का नतीजा, पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि हैदराबाद विजय करने के लिए बीजेपी फुल प्रूफ रणनीति के साथ उतरी है। रोड शो के बाद अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर ताबड़तोड़ हमले किए। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग करके लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो? हैदराबाद शहर में दबदबा रखने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अमित शाह के निशाने पर थे। गृह मंत्री ने चुनौती दी कि ओवैसी अवैध रोहिंग्या मुसलमानों पर संसद में कुछ कहते हैं और सड़क पर कुछ और। मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तोबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है कौन इनका पक्ष लेता है, देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। आपकी पार्टी ने कहा था कि यहां पर अफगानी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, 30,000 वोटर लिस्ट में नाम रोहिंग्या के, ये आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बकवास की है, मैंने तो नहीं कहा, मगर अमित शाह कह रहे मुझे लिख कर दो। अरे लिख कर देने का क्या है, आप देखिए ना, ये आपका काम है, आपको कब से मेरी इजाजत लेना पड़ा? ये तो अजीब बात कर रहे हैं, यानी ये तो ऐसा हो गया कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा, आपका काम, आप मुझसे परमिशन लेंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त करने की बात कही। ओवैसी का जवाब था बीजेपी हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती है, इसका जवाब लोकतंत्र की स्ट्राइक से मिलेगा। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने
ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, तुष्टिकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का एपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। मैं कौन सा नवाब हूं, मैं कौन सा निजाम हूं, ना तो मेरा दूर दूर तक निजाम की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था, तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज़ नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हाँ, किसी देश के एक इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये जबान इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे पाकिस्तानी है। यहाँ पर गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य से मिले फंड की गड़बड़ी का आरोप लगाया। हैदराबाद को आईटी हब बनने ना देने के लिए टीआरएस और कांग्रेस को सबसे बड़ा रोड़ा बताया। लोगों को डूबते हैदराबाद की तस्वीर याद दिलाई। सवाल पूछा, शहर कैसे डूबा? ओवैसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कहाँ थे? मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मौका दीजिए, हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। मैं आज प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहाँ थे? तेलंगाना में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 20% वोट के साथ 4 लोकसभा सीट जीती थी, यानी तेलंगाना में बीजेपी ने वोट बेस बना लिया है। यही वजह है कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कह सकते हैं दक्षिण के राज्यों को पूरी तरह भगवा रंग में रंगने में बीजेपी का प्रयोग जमीन पर दिखने लगा है। बीजेपी नगर निगम का मोर्चा जीतकर बड़ी लड़ाई अपने नाम करने की कोशिश में है। आशुतोष मिश्रा के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद आज तक। 1 तारीख को वोटिंग होगी, 4 तारीख को आएंगे नतीजे, देखना दिलचस्प रहेगा कौन पड़ता है किस पर भारी। उधर उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ नए कानून यानी कि एंटी लव जिहाद कानून का खाता खुल गया है। इस कानून के तहत बरेली के एक केस में पहली FIR हुई है। इस केस में पीड़ित परिवार ने उबैर खान नाम के आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसने पीड़ित लड़की से फ्रॉड किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। लेकिन अब धर्म परिवर्तन का दबाव डालने वाले या फिर धर्म परिवर्तन कराने वाले ऐसे धोखेबाजों पर एक्शन शुरू हो गया है। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहाद पर यह चेतावनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दे दी थी, अब तो कानून भी बन चुका है। इसी कानून के तहत बरेली में पहली FIR भी दर्ज हुई और पहली बार यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के लिए नए कानून की धाराओं का इस्तेमाल हुआ है। कल थाना देवरानी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आकर तहरीर दी थाने पर कि उसी का पड़ोसी ओवैस नाम का एक लड़का उसकी लड़की को तंग करता है लंबे समय से और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता है ताकि वो उससे शादी कर ले। कल ही जो अध्यादेश लागू हुआ था उसी अध्यादेश की धारा 3 और 5 के तहत मुकदमा लिखा गया और अन्य धाराएं भी इसमें IPC की लगाई गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को उबैस नाम के एक आरोपी ने झांसा दिया, गुमराह करके अपने जाल में फंसाया, 1 साल पहले अगवा भी किया। जब पुलिस ने पीड़ित लड़की को ढूंढ निकाला और वो घर आई तब भी आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। वो लड़की पढ़ने जाती थी, उसी समय से ये लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, एक बार भगा के भी ले गया, फिर गांव के लोगों ने इसे समझा दिया मगर नहीं मान रहा है, बदतमीजी पे चालू है, मतलब सुधर नहीं रहा है, वो तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। आरोपी उबैस अभी फरार है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश है। लव जिहाद के खिलाफ बने नए कानून में इस तरह के धोखे और ऐसे आरोपियों के लिए कड़े प्रावधान है, दोष सिद्ध होने पर इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे कोरोना वैक्सीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन यात्रा की। कल दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन का लेटेस्ट अपडेट लिया। प्रधानमंत्री देश में वैक्सीन तैयार होने वाले 3 केंद्र अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे पहुंचे। तीनों ही केंद्रों में प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की।
यह दृश्य दुश्मन को हुनर से हराने का दृश्य है। वैज्ञानिक दिन रात वायरस को मात देने के युद्ध में खुद को झोंके हुए हैं। इस अदृश्य वायरस से दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की संजीवनी लगभग तैयार कर ली है। इंतजार का काउंटडाउन खत्म होने वाला है। आज दुनिया में भी और देश में भी करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। पीएम ने वैक्सीन पर वैज्ञानिकों के शोध पर करीबी नजर बनाए रखने की बात 4 दिन पहले कही थी और आज वो खुद 3 शहरों की वैक्सीन यात्रा पर थे। इस दौरान पीएम ने रेस में शामिल 3 वैक्सीन की तैयारी को बारीकी से समझा। अपनी वैक्सीन यात्रा में सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद के जायडस कैडिला पहुंचे, जहां स्वदेशी वैक्सीन जायकोव डी का ट्रायल चल रहा है। पीपी किट समेत सुरक्षा के तमाम उपायों के साथ प्रधानमंत्री ने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोसेस देखी और वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। पीएम ने वैज्ञानिकों से वैक्सीन के प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े पहलुओं पर चर्चा भी की। जायडस कैडिला की वैक्सीन जायकोव डी का फिलहाल पहले फेज का ट्रायल खत्म हो चुका है और दूसरे दौर के ट्रायल अपने अंतिम चरण में है, यानी वैक्सीन तीसरे और फाइनल ट्रायल के लिए तैयार है। करीब 1 घंटे की ये मीटिंग उनकी हुई, जो कि जायडस कैडिला के CMD पंकज पटेल और जो रिसर्च टीम है वो रिसर्च टीम यहाँ पे मौजूद थी और उनके साथ ये वैक्सीन हुई। और साथ ही ये वैक्सीन जब तैयार हो जाएगी तो ये वैक्सीन, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि ये सेकंड स्टेज में है और सेकंड स्टेज के बाद इसका थर्ड ट्रायल जो है वो दिसंबर में शुरू होगा, तो ये वैक्सीन कब तक बाजार में आ जाएगी। साथ ही ये वैक्सीन बाजार में आएगी तो इसके बाद क्या ये वैक्सीन कितने टेम्परेचर में रहेगी, ये पोस्ट वैक्सिंग होगी, प्री वैक्सिंग होगी, ये सारी बातों पे यहाँ पे चर्चा हुई। अहमदाबाद की स्वदेशी वैक्सीन की बात पूरी हुई तो पीएम ने हैदराबाद के भारत बायोटेक का रुख किया। यहाँ एक और स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये वो वैक्सीन है जिससे देश को बहुत उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन की। वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल अपने आखिरी दौर में है। यह वजह है कि पीएम ने यहाँ वैज्ञानिकों से कोवैक्सीन के स्टेटस को तफ्तीश से समझा। भारत बायोटेक के लैब भी पहुंचे और रिसर्चर से सीधी बात की। पीएम जानते हैं कि अगर कोवैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। वैक्सीन अगले साल के शुरुआत में ही लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। वैक्सीन के स्वदेशी होने की वजह से पीएम की स्वदेशी मुहिम को तगड़ा बूस्टर मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी, ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा, अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया, वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं, तो एक एक्सपर्ट नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्रधानमंत्री ने 2 स्वदेशी वैक्सीन की जमीनी हकीकत को समझा और फिर पुणे में दुनिया की टॉप वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से मिले। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करार किया है। यहां ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन होना है। कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। फेज 3 के परीक्षण में वैक्सीन करीब 94% तक कामयाब रही। हालांकि कंपनी पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए एक बार फिर फेज 3 का ट्रायल कर रही है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लेकर प्रोडक्शन तक की जानकारी ली। अहमदाबाद से गोपी घांगर और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद आज तक। कश्मीर में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, कुछ रास्ते बर्फ की वजह से काफी खतरनाक हो गए हैं। जो जिला में एक कार हिमस्खलन में फंस गई, कई घंटों की मशक्कत के बाद इसमें सवार लोगों की जान बचाई जा सकी। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इच्छा शक्ति की। कश्मीर से ले जाने वाले हाईवे पर जोजीला जगह की ये तस्वीरें आपको दहला देंगी। हाईवे पर ये SUV लेह की तरफ बढ़ रही थी। इस बात से अनजान थे इसमें सवार लोग की मौत घात लगाकर बैठी है और जोजीला के पास बर्फ ने धावा बोल दिया। जबरदस्त हिमस्खलन हुआ, यानी बर्फ खिसकी और ये कार उसकी चपेट में आ गई।
भीतर बैठे लोगों की तो सांसें अटक गई। लेकिन कुछ ही वक्त बाद वहां फरिश्तों की तरह आए कुछ पुलिस वाले और कुछ गांव वाले। शुरू हो गई जिंदगी बचाने की जंग। आप देख सकते हैं लगातार बर्फबारी हो रही है, हड्डियों को जमा देने वाली बर्फीली हवा चल रही है, लेकिन ये लोग इस सबसे बेपरवाह कुछ जिंदगियों को बचाने के मिशन में लगे हैं। आप सोचिए बर्फ के पहाड़ में दबी इस गाड़ी में भीतर बैठे लोगों की क्या हालत होगी। अगर कुछ वक्त के भीतर इस कार को बर्फ की समाधि से आजाद नहीं कराया गया होता तो अंदर बैठे लोगों की हालत खराब हो गई होती। कोशिशें होती रही, मशक्कत धीरे धीरे रंग लाने लगी। मशीनों ने अपना काम किया, किसानों की अदम्य इच्छा शक्ति के आगे मौत के कदम उखड़ने लगे और आखिरकार इस कार को बर्फ से निकाल लिया गया। सलाम करिए इन फरिश्तों को कि इन्होंने खुद बड़ा जोखिम लेकर कुछ लोगों की जान बचा ली। श्रीनगर से अशरफानी के साथ आज तक ब्यूरो।